Greetings to you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष मिले। We welcome you to this Bible study of Revelation. प्रकाशित वाक्य के इस बाइबल स्टडी में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। In God's True Light TV program. God's True Light यानी परमेश्वर की सच्ची ज्योति इस टीवी प्रोग्राम में। It is because of your prayers God is continuing this program. आपकी प्रार्थनाओं के कारण ही परमेश्वर इस प्रोग्राम को निरंतर बनाए हुए हैं। Because the Lord knows that it is the most important book of all the Bible. क्योंकि प्रभु ये जानता है कि ये बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। It is the most important book, especially to the last people of this world's history. इस संसार के इतिहास के जो आखिरी लोग होंगे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। We are the end time people. हम इस अंतिम समय के लोग हैं। Living just before the second coming. बस हम तो उसके दूसरे आगमन के पहले जी रहे हैं। So Christ knows that the time is short and he is coming and he wants to prepare us for his kingdom. मसीह यीशु जानता है कि समय बहुत ही कम है और वो अपने राज्य के लिए हमें तैयार करना चाहता है। So he is giving us very important spiritual lessons that we very much need. और वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा आत्मिक पाठ दे रहा है जो कि हमें सीखना बहुत जरूरी है. We have learned in the study of the last church of Revelation. हमने प्रकाशित वाक्य की किताब के आखिरी कलीसिया के बारे में हमने यहाँ अध्ययन किया है. The church of Laodicea. और ये तो लौदिकिया की कलीसिया है. Laodicea symbolizes the end time people. लौदिकिया की जो कलीसिया, लौदिकिया जो शब्द है ये तो अंतिम समय के बारे में दर्शाता है. The people who live just before the coming of Christ. ये ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु के आने के बस पहले जी रहे हैं. People who will be translated to heaven when Christ comes. और जब मसीह यीशु आएगा तो ये ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे. So Christ is preparing the remnant people, the end time people, for his kingdom. और मसीह यीशु अंतिम समय में ऐसे छुड़ाए गए लोगों को अपने लिए तैयार कर रहा है. They are going to occupy the empty thrones in heaven. वो तो स्वर्ग में जो खाली सिंहासन है उस पर विराजमान होंगे. The thrones that got emptied when Lucifer and the 1/3 of the angels were thrown down. और ये सिंहासन तो तब खाली हुए थे जब लूसीफर और उसके साथ में 1/3 स्वर्गदूत नीचे फेंक दिए गए थे. Were cast out of heaven. जिन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था. So Christ wants to fill those thrones with people of this world. मसीह यीशु इस संसार के लोगों से उन सारे सिंहासन को भर देना चाहता है. People who have this character. ऐसे लोग जिनके पास में ये चरित्र हो. God's character. परमेश्वर का चरित्र. People who are not lukewarm. ऐसे लोग जो कि गुनगुने ना हो. People who are not nominal. ऐसे लोग जो कि केवल नामधारी ना हो. So Christ is preparing the end time people. और इसलिए मसीह यीशु अंतिम समय के लोगों को तैयार कर रहा है. So he is offering 3 items to prepare them. और वो उन्हें तैयार करने के लिए 3 चीजों को दे रहा है. One is the gold tried in the fire. एक जो है वो है आग में ताया गया सोना. That faith that works by love. यानी विश्वास जो प्रेम के द्वारा काम करता है. Faith and works of the law. और ये तो विश्वास और व्यवस्था के प्रेम के काम है. Faith and the obedience to God's commandments. और विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए आज्ञाकारिता. These 2 are needed for God's people. ये 2 चीजें परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं. In order to really have a personal intimate relationship with God. कि परमेश्वर के साथ में हम सच में बहुत ही नजदीकी का व्यक्तिगत संबंध रखें. In order to have preparation and worthiness to get into God's kingdom. कि हम परमेश्वर के राज्य में आने के लिए पूरी तरह से तैयारी करें और योग्य हो जाएं. And it is from God's knowledge, God's wisdom, God is giving us this cure. और ये तो परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा है, ये परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा परमेश्वर हमें ये सब कुछ उपचार देता है. Our problem is lukewarm or nominal Christian experience. और हमारा जो हमारी समस्या यही है कि हम तो बस केवल इस तरह से गुनगुने होते हैं और ऐसे मसीह अनुभव को हम पाते हैं. So we need gold tried in the fire. और हम यहाँ पर आग के हमें आग में ताए गए सोने की बहुत जरूरत है. So the second need of the people of Laodicea or the end time people is to buy of Christ. और इसीलिए लौदिकिया की कलीसिया को दूसरी बात जो वो कहता है कि मसीह यीशु से मोल ले. He says white raiment. और वो कहता है कि श्वेत वस्त्र मोल ले. That you may be clothed. कि तुम वस्त्र पहनो. That shame of your nakedness
do not appear. कि तुम्हारी नंगाई की जो शर्मिंदगी है वो दिखाई न दे. That is verse 18. और ये है वचन 18. Revelation 3 verse 18. प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 18. That is a second need. और ये तो दूसरी जरूरत है. People think that they are safe and good and well, their own robes of righteousness, of their own good works. और लोग ये सोचते हैं कि अपने भले कामों के द्वारा वो तो यहाँ पर धार्मिकता के वस्त्रों को पालेंगे. But here, God is telling that all their good works, all their clothes that they make and clothe themselves or filthy rags. और यहाँ पर परमेश्वर ये कहता है कि जो इन लोगों के जो खुद के धार्मिकता के कामों के जो वस्त्र हैं वो तो केवल मैले चिथड़ों के समान हैं. They are not of any use to stand before God. और उनका परमेश्वर के सामने खड़े रहने से कोई मतलब ही नहीं, कोई उपयोग नहीं है. As in that parable of wedding feast, उस विवाह के भोज के दृष्टांत के बारे में बताता है. People with colorful clothes cannot stand in the feast. और जो लोगों के पास रंग बिरंगे कपड़े हैं वो वहाँ पर उस विवाह के भोज में नहीं जा सकते. They need to have the garment of wedding. और उनके पास में उस विवाह के वस्त्र होने चाहिए. Robe of wedding. वो विवाह के वस्त्र होने चाहिए. That they give there. जो उन्हें वहाँ पर दिए गए हैं. That is the only requirement that they should have. और ये तो केवल वही एक मांग है जो उनके पास में होनी चाहिए. Whoever that does not have that robe, जिनके पास में ये वस्त्र नहीं है, they will be cast out of that wedding feast. उन्हें उस विवाह के भोज से निकाल दिया जाएगा. Wedding feast symbolizes heaven. और जो विवाह का भोज है ये स्वर्ग को दिखाता है. So, in order to be in heaven, और इसीलिए स्वर्ग में होने के लिए, your own human made clothes are not enough. आपके खुद के मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो कपड़े हैं ये काफी नहीं हैं. You need to have white raiment from Christ. आपके पास में मसीह यीशु की ओर से श्वेत वस्त्र होने चाहिए. What is this white raiment? ये जो श्वेत वस्त्र है ये क्या है? What is this white robe? और ये श्वेत वस्त्र क्या है? So in heaven's sight, in God's sight, स्वर्ग की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, many believers of the Church of Laodicea, लौदीकिया की कलीसिया के बहुत से विश्वासी, that is the end time believers or Christians, जो कि अंतिम समय के विश्वासी हैं, ऐसे लोग, they think that they are fully nicely clothed, वो ये सोचते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से अच्छे से कपड़े पहने हैं, they are safe and good, वो तो सुरक्षित है और अच्छे हैं, they don't need anything else, उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं, but in God's sight, in the sight of heaven, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, स्वर्ग की दृष्टि में, they are actually naked. वो तो असल में नंगे हैं. They are spiritually naked. वो तो आत्मिक रीति से नंगे हैं. They should have spiritual clothes. उनके पास आत्मिक वस्त्र होने चाहिए. They should have white raiment of Christ. उनके पास में मसीह यीशु के श्वेत वस्त्र होने चाहिए. This speaks of the spiritual complacency. और ये तो आत्मिक स्थिरता के बारे में बताता है. What are the clothes of Christians? और विश्वासियों के जो वस्त्र हैं वो कौन से हैं? What are the clothes that they can receive by faith? और ऐसे कौन से वस्त्र हैं जो वो विश्वास से पा सकते हैं? The Bible says that Christ died as our substitute. बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे बदले में मरा. Christ lived a life of perfect obedience. मसीह यीशु पूरी सिद्धता की आज्ञाकारिता का जीवन जिया. He did not sin even in his thought. उसने अपने विचारों में भी कभी पाप नहीं किया. Even in action. यहाँ तक कि क्रियाओं में भी पाप नहीं किया. Even one sin he did not commit, even in his thoughts. अपने विचारों में उसने एक बार भी पाप नहीं किया. He lived a perfect sinless life. वो बिल्कुल सिद्ध और पाप रहित जीवन जिया. While he lived on this earth 33.5 years, जबकि वो इस पृथ्वी पर 33.5 साल तक जिया, it also involves the reception of Christ's grace. और इसमें हम कह सकते हैं ये तो मसीह के अनुग्रह को स्वीकार करना है. It is the grace of God that was given to God the Son who became fully man. और ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो पुत्र परमेश्वर को दिया गया जो कि पूरी तरह से मनुष्य बन गया. God gave his grace and his power to God the Son. परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपना अनुग्रह और अपनी सामर्थ पुत्र परमेश्वर को दी. Though God the Son is fully God, हालांकि पुत्र परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर है, He did not use his divinity. उसने अपने ईश्वरत्व का उपयोग इसलिए नहीं किया to live
होली लाइफ, कि बस उसके द्वारा ही अपना पवित्र जीवन जिए, टू लिव अ सिनलेस लाइफ, कि पाप रहित जीवन जिए, जस्ट लाइक यू एंड मी, बिल्कुल आपके और मेरे जैसे ही, ही डिपेंडेड ऑन गॉड, वो परमेश्वर पर आधारित रहा, ही ट्रस्टेड गॉड द फादर, उसने पिता परमेश्वर पर भरोसा किया, एंड व्हाटएवर ग्रेस दैट वाज अवेलेबल टू क्राइस्ट, और जो कुछ भी अनुग्रह मसीह यीशु के लिए उपलब्ध था, इज ऑल्सो अवेलेबल टू एवरी बिलीवर इन दिस वर्ल्ड, वो तो इस संसार में हर एक विश्वासी के लिए भी उपलब्ध है। गॉड इज नॉट पार्शियल, परमेश्वर पक्षपाती नहीं, गॉड इज नॉट रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन, परमेश्वर मनुष्य का पक्षपात नहीं करता, गॉड इज नॉट अनजस्ट, परमेश्वर अन्यायी नहीं, गॉड इज जस्ट एंड राइटियस, परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है। व्हाटएवर ग्रेस दैट ही गेव टू हिज सन The Lord Jesus Christ, जो भी अनुग्रह उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, the same grace is available to every believer that is living in these last days. वही अनुग्रह उसने इस अंतिम समय में रहने वाले हर एक विश्वासी को दिया है. So he, using that grace, he lived a sinless life and a perfect obedient life. और इसलिए उसने उस अनुग्रह का उपयोग करते हुए पाप रहित जीवन जिया और वो सिद्ध आज्ञाकारिता में जीता रहा. That is the greatest evidence, greatest proof that every believer, every child of God, however weak he is, he can live a perfect sinless life using the grace of God. और यही तो ये सबूत है, ये इस बात को दर्शाता है कि हर एक विश्वासी, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, वो परमेश्वर का अनुग्रह का उपयोग करते हुए पाप रहित और सिद्ध जीवन जी सकता है. So Christ has the robe of righteousness. और इसलिए मसीह यीशु के पास में धार्मिकता का वस्त्र है. Christ has the perfect obedient life. यीशु मसीह के पास में सिद्ध आज्ञाकारिता का जीवन है. That will make you worthy for eternal life. जो आपको अनंत जीवन के लिए योग्य बनाता है. That will make you worthy to be a citizen of God's eternal kingdom. और वो आपको योग्य बनाएगा कि आप परमेश्वर के अनंत काल के राज्य के नागरिक हो जाएं. You cannot make it. आप इसे नहीं कर सकते हैं. And we cannot do anything to earn that. और हम इसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं. We can only believe in the Lord Jesus Christ. हम केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर सकते हैं. As he believed in God the Father. जैसे कि हम पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं. We can ask the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह से मांग सकते हैं. And God the Father. और पिता परमेश्वर से. As God the Son asked God the Father. जैसे कि पुत्र परमेश्वर ने पिता परमेश्वर से मांगा. And God the Father gave His grace. और परमेश्वर पिता ने उसे अपना अनुग्रह दिया. He gave His power. उसने अपनी सामर्थ दी. The power of His Holy Spirit. ये तो उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ है. Which enabled Him to live a perfect sinless life. जिसके कारण वो सिद्ध और पाप रहित जीवन जिया. A righteous life. धार्मिकता का जीवन जिया. That is how he got the robe of righteousness. और इस तरह से उसे धार्मिकता का वस्त्र मिला. So that he offers his earthly children. और वही तो वो अपने इस पृथ्वी पर की संतानों को देना चाहता है. Those who believe in him. जो उस पर विश्वास करते हैं. They cannot fight sin. वो पाप से लड़ नहीं सकते हैं. The end time believers cannot fight temptation. अंतिम समय के विश्वासी परीक्षाओं से नहीं लड़ सकते. They cannot fight Satan. वो शैतान से नहीं लड़ सकते. And his temptations. और उसकी परीक्षाओं से नहीं लड़ सकते. They may do anything in this world. They cannot do that. वो शायद इस संसार में कुछ भी करे, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं. They can only open their hearts and the doors of their life and invite the Lord Jesus Christ into them. वो तो अपने दिल के द्वार को खोलकर अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को न्योता दे सकते हैं. Ask God to give His grace, give His power and His Holy Spirit. आप परमेश्वर से मांगे कि वो आप पर अपना अनुग्रह करे, अपनी सामर्थ्य और अपना पवित्र आत्मा दे. Especially the white raiment. और खास करके ये श्वेत वस्त्र. The white robe of righteousness. ये तो धार्मिकता का श्वेत वस्त्र है. That is the robe of Christ. Righteousness. और ये तो मसीह यीशु की धार्मिकता का वस्त्र है. His robe of sinless perfection. और ये तो उसके पाप रहित सिद्धता का वो वस्त्र है. It's a robe of perfect obedience to God's law. और ये तो परमेश्वर की व्यवस्था के लिए पूरी सिद्धता है. It's robe of God's character. और ये तो परमेश्वर के चरित्र का वस्त्र है. And if anyone ever is saved to live in the presence of a holy perfect God, और अगर कोई ऐसा है जो कि उस पवित्र सिद्ध परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है, they should have this robe of righteousness of Christ. उनके पास में मसीह यीशु की धार्मिकता के ये वस्त्र होने चाहिए. And
by nothing else they can stand before God. और किसी भी तरीके से वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे. God the Father sees only the robe of righteousness of Christ. पिता परमेश्वर तो केवल मसीह यीशु की धार्मिकता के वस्त्र को देखता है. And will accept you as if you have never sinned before. और वो आपको ऐसे स्वीकार करेगा जैसे कि मानो आपने इसके पहले कभी पाप किया ही नहीं. Accept you as holy and righteous and perfect, just like His Son. और वो आपको ऐसे स्वीकार करता है कि आप धर्मी हैं, पवित्र हैं, बिल्कुल अपने पुत्र के जैसे. That is why the Lord is admonishing every believer to buy this white raiment. और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर इस तरह से सलाह देता है कि हर एक विश्वासी इस श्वेत वस्त्र को खरीद ले, पहन ले, मोल ले. The messenger of God wrote like this. परमेश्वर के एक संदेश ने, एक दूत ने इस तरह से लिखा. By Christ's perfect obedience. परमेश्वर के एक सेवक ने इस तरह से लिखा कि मसीह यीशु के सिद्ध आज्ञाकारिता के कारण. He made it possible for every human being to obey God's commandments. उसने हर एक मनुष्य के लिए संभव बनाया कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर सकता है. When we submit ourselves to Christ, जब हम अपने आप को मसीह यीशु को सौंप देते हैं, the heart is united with the heart of Christ. तो हमारा दिल प्रभु यीशु मसीह के दिल के साथ में जुड़ जाता है. The will of the believer is merged with the will of Christ. और विश्वासी की जो इच्छा है वो तो मसीह यीशु की इच्छा के साथ में जुड़ जाती है. The mind of the believer becomes one with the mind of Christ. और विश्वासी का जो मन है वो तो मसीह यीशु के मन के साथ एक हो जाता है. The thoughts of the believer are brought into captivity to the thoughts of Christ. और विश्वासी के जो विचार है वो तो बंदी बना के मसीह यीशु के विचार बनाए जाते हैं. And that is how the believer lives his life. और इसी तरह से विश्वासी अपना जीवन जीता है. This is what it means to be clothed with the robe of righteousness. धार्मिकता का वस्त्र पहनने का मतलब यही तो होता है. It is a mysterious experience. ये तो एक बहुत ही अद्भुत ऐसा अजीब सा अनुभव है. Moment by moment, day by day. जो पल पल और एक एक दिन जीते हैं. Throughout your life. अपने पूरे जीवन भर. Till your death. आपकी मृत्यु तक. In this world. इस संसार में जीते हैं. So we need to completely submit ourselves to the will of God. और इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना है. Unite our heart with His heart. हमें अपने दिल को उसके दिल के साथ में जोड़ देना है. Merge our will with His will. हमें अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के साथ में जोड़ देना है. And bring our thoughts in captivity with His thoughts. और हमें अपने विचारों को बंदी बना के उसके विचार बनाने हैं. And that is how we can live the righteous life or obedient life of Christ. और इसी तरह से मसीह में आज्ञाकारिता और धार्मिकता का जीवन जी सकते हैं. It is the grace of God, it is the spirit of Holy Spirit, it is the power of the Holy Spirit that will enable a believer to live a life like that. ये परमेश्वर का अनुग्रह है और ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ है जिससे विश्वासी ऐसा जीवन जी सकता है. So the believer needs to apply the righteousness of Christ to his own life. और इसलिए विश्वासी को मसीह की धार्मिकता का अपने जीवन में उपयोग करते चले जाना है. Is it enough to have the head knowledge of salvation? और केवल उद्धार के बारे में दिमागी ज्ञान रखना काफी नहीं है. Head knowledge of Christ? मसीह का दिमागी ज्ञान रखना काफी head नहीं. Head knowledge of Savior? या फिर उद्धारक का दिमागी ज्ञान. Head knowledge of God and heaven? स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में दिमागी ज्ञान. It is not at all enough. ये काफी नहीं है. If self is enthroned in the heart of the believer, अगर स्वार्थ विश्वासी के दिल में इस तरह से बना रहेगा, then you cannot have a relationship with Christ. तो आप मसीह यीशु के साथ में संबंध नहीं रख पाएंगे. We have to love Christ more than anybody, anything else in this world. हमें संसार में बाकी सारी बातों से बढ़कर मसीह यीशु से प्रेम रखना है. So in Matthew 10th chapter, the Lord says. और इसलिए मत्ती अध्याय 10 में प्रभु ये कहता है. Whoever loves his father or mother, brother or sister, or son or daughter more than me is not worthy of me. जो भी अपने माता पिता या अपने भाई बहन या किसी और चीज से बढ़कर प्रेम रखता है तो वो मेरे लिए योग्य नहीं. The Lord Jesus Christ should be first, best, last and everything in your life. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सबसे पहले और सबसे उत्तम और सबसे आखिरी होना चाहिए. Then only you are ready for eternal life or to live a life forever with God. और इसीलिए तभी आप अनंत जीवन के लिए योग्य होते हैं कि आप परमेश्वर के साथ में सदा के लिए जीवन जी सकें. The third need of the believer of the Laodicea. और लौदीकिया की कलीसिया के जो विश्वासी उनकी तीसरी जरूरत ये थी. Or the end time people. ये अंतिम समय के लोगों की तीसरी जरूरत. Is
the eye salve, और वो है सूरमा, that is the Lord Jesus Christ admonishes every believer to anoint your eyes with eye salve. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी को इस तरह से सलाह देता है कि तुम अपने आँखों में सूरमा लगाओ, that you may see, कि तुम देख सको. As we are born in this world, जैसे हम इस संसार में जन्म लेते हैं, we are naturally born with a spiritual blindness. हम तो स्वाभाविक रूप में आत्मिक रीति से अंधेपन में जन्म लेते हैं. Because Satan, the prince of this world, has blinded the eyes of everyone. क्योंकि शैतान जो कि संसार का हाकिम है, उसने सभी लोगों की आँखों को अंधा करके रखा है. He has not allowed people to see what is good, what is bad. और उसने लोगों को ये देखने नहीं दिया है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है. What is light and what is darkness? और क्या ज्योति है और क्या अंधकार है. What is truth, what is error? या फिर सच्चाई क्या है और गलती क्या है. What is accepted of God, what is not accepted of God? कि परमेश्वर के द्वारा क्या स्वीकार किया गया और परमेश्वर के द्वारा क्या स्वीकार नहीं किया गया है. What is justice, what is injustice? और न्याय क्या है और अन्याय क्या है. What is righteousness or what is not righteousness? धार्मिकता क्या है और क्या धार्मिकता नहीं है. So, in order to distinguish between these, you need to have spiritual eyesight. और इन सारी बातों की परख रखने के लिए आपके पास में आत्मिक आंखें होनी चाहिए. Otherwise you will be confused, very much confused. नहीं तो फिर आप बहुत ही गड़बड़ी में होंगे. You will not know what is what. और आप नहीं जानेंगे कि क्या क्या है. If you don't know what is what, you are a spiritually blind person. अगर आप ये नहीं जानेंगे कि ये जो है ये क्या है, तो आप आत्मिक रीति से अंधे व्यक्ति होंगे. You may think that you are safe and good and well and good. आप शायद ये महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, भले हैं. That you don't need anything. कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं. That you know everything. कि आप सब कुछ जानते हैं. But God says that you don't know anything. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते. You are completely blind. आप पूरी तरह से अंधे हैं. So here Christ is admonishing every believer to buy spiritual eye salve. यहाँ पर मसीह यीशु हर एक विश्वासी को इस तरह की सलाह देता है कि वो आत्मिक सूरमा खरीद ले. We will learn in our next message what is this spiritual eye salve. हम अगले संदेश में ये देखेंगे कि ये आत्मिक जो सूरमा है ये क्या है. That will help us to know what is right, what is wrong. जो हमारी ये जानने में मदद करेगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है. What is sin and what is righteousness? कि पाप क्या है और धार्मिकता क्या है. And what is justice, what is not justice? और क्या न्याय है और क्या न्याय नहीं है. And what will lead you to God, what will lead you astray from God? और कौन सी बातें आपको परमेश्वर के पास में लेकर जाएगी और कौन सी बातें परमेश्वर से दूर ले जाएगी. What is light and what is darkness? कि ज्योति क्या है और अंधकार क्या है. What is the way of Satan? What is the way of God? कि शैतान का मार्ग क्या है और परमेश्वर का मार्ग क्या है. You need to know them. आपको ये जानना होगा. Otherwise, नहीं तो फिर, without your knowledge, आपके जाने बिना, you will follow evil instead of good. आप भलाई के बजाय बुराई के पीछे चलते चले जाएंगे. And you will remain in darkness instead of light. ज्योति के बजाय वहाँ पर अंधकार में रहेंगे. You will follow unrighteousness instead of righteousness. आप धार्मिकता के बजाय अधर्म के पीछे चलते जाएंगे. You will follow Satan instead of following God. आप परमेश्वर के पीछे चलने के बजाय शैतान के पीछे चलेंगे. You will enter into broad way instead of entering into narrow way. आप सकरे मार्ग में जाने के बजाय उस बड़े चौड़े मार्ग में चले जाएंगे. If you enter into way of error, you will be lost forever. अगर आप ऐसी गलती के मार्ग में चले जाएंगे तो आप हमेशा के लिए खो बैठेंगे. If you enter into way of falsehood, you will be lost forever. अगर आप झूठ के मार्ग में या झूठी बातों के मार्ग में चले जाएंगे तो सदा के लिए खो जाएंगे. You need to have this eye salve. इसलिए आपके पास में ये सूरमा होना चाहिए. What is this eye salve? ये सूरमा क्या है? So we will learn this in our next Bible study. अगले बाइबल अध्ययन में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे. May God help us to receive the gold tried in the fire. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम आग में ताया हुआ सोना पाए. Faith that works by love. जो कि विश्वास है, ये तो प्रेम के द्वारा काम करता है. Faith and obedience to God's commandments. परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता रखना. And the white raiment. और श्वेत वस्त्र.
which is the righteousness of Christ, जो कि मसीह यीशु की धार्मिकता है, which is a gift to believer, ये विश्वासियों के लिए वरदान है, and third one is eye salve, और तीसरा है आँखों का सूरमा. What is this eye salve? ये सूरमा क्या है? We have to know this. हमें इसे जानना होगा. Otherwise, we will lose it. नहीं तो फिर हम उसे खो देंगे. May God help us to follow the Lord's admonitions. Very important, serious admonitions to the end time people. और निश्चय परमेश्वर हमारी मदद करे कि अंतिम समय के लिए परमेश्वर ने जो हमें चेतावनी दी है उसका पालन करें. We will be ready to be with him forever in his kingdom. कि हम हमेशा उसके राज्य में रहने के लिए उसके साथ तैयार हो जाएं. Loving Father, प्रेमी पिता, how grateful we are to you for all your love and goodness to us. प्रभु हमारे लिए तेरी जो भलाई है उसके लिए हम कितने आभारी हैं. It is because of your great love that you are speaking to us. और प्रभु ये तेरे महान प्रेम के कारण तू हमसे बातें करता है. You are not speaking to the millions of people in the world. तू इस संसार में लाखों लोगों से बातें नहीं करता प्रभु. You are speaking to the end time people. तू तो अंतिम समय के लोगों से बातें करता है. Just like you spoke to Israel and did not speak to any of the people in the ancient world. जैसे प्राचीन संसार में प्रभु तूने इस्राएलियों से बातें की और बाकी अन्य जातियों से बातें नहीं की. You spoke to them through 40 prophets through 1500 years. 1500 साल तक प्रभु तूने उनसे 40 भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की. You spoke to the early church through 100 years. और 100 साल में प्रभु तूने शुरू के चर्च में उनसे उन लोगों से बातें की. And did not relate yourself to any other people in the world. और खुद को प्रभु संसार के दूसरे किसी लोगों के साथ में नहीं जोड़ा. Just like that, you are speaking to us, the last day people of this world. और उसी तरह से प्रभु इस संसार के अंतिम समय के जो हम लोग हैं, हमसे तू ऐसे बात कर रहा है. You truly love us. क्योंकि तू हमसे सच में प्रेम करता है. You don't want us to be lost forever. तू नहीं चाहता है कि हम सदा के लिए खो जाएं. You want us to be with you forever. तू चाहता है कि हम तेरे साथ सदा सदा रहे. In eternal life, अनंत काल के जीवन में, as your sons and daughters, तेरे बेटे और बेटियों के रूप में, to be citizens of your eternal kingdom, कि हम तेरे अनंत काल के राज्य के नागरिक हो जाएं, to enjoy the glory of God forever, हम सदा के लिए परमेश्वर की महिमा का आनंद उठाएं. Bless us in Jesus' name we pray. हमें आशीष दे, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Dear friends, प्यारे दोस्तों, please remember every Thursday morning. 6:30 to 7. याद रखिए हर गुरुवार सुबह 6:30 to 7 तक. We are having a verse by verse study of Book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की किताब के एक-एक वचन का अध्ययन कर रहे हैं. It's been a great blessing to so many people in the world. ये संसार में बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण है. We pray that you will also receive these rich blessings. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें. And be ready for God's kingdom. और हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. Our address: God's True Light, Hope Center, Karumanchi Road, Valluru Post. PIN number 523272. Ongole, Prakasham District, Andhra Pradesh. Our phone number 7093131171.